हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। ये देखिए, आज मौसम बहुत प्यारा है। आज इधर तो बारिश हो रही है। सब लोग बताएं कि उनकी सिटीज़ में बारिश हुई या नहीं। आज सुबह सुबह उठे हैं तो लगता है कि रात आंधी भी चली है और बारिश भी हो गई हटी है। जब मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, साथ में एक साइड पर बनेगी चाय। ये देखें जी, अब है दोपहर का टाइम और मैं बैठी थी ज़रा बच्चों को लेके। मैंने कहा इनको थोड़ा सा पढ़ाया जाए। ये एक रोंदू सा बच्चा आपको दिखाऊं? अच्छा 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 नहीं नहीं, ये आहेल है ना जो ये तंग करता है। और ये बेचारी छोटी जो है ना, ये आराम से बैठी पढ़ती रहती है। देखिए आहेल ने कितना प्यारा प्यारा सा लिखा है। ये अभी 3.5 ईयर्स का है। अभी स्कूल तो मैं इसको नहीं भेजती, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसे खुद से करवा देती हूँ कि स्कूल इसको नेक्स्ट ईयर भेजूँगी। खुद थोड़ा सा करवाने का मकसद ये है कि बच्चा जब स्कूल जाता है ना तो बिल्कुल ही ब्लैंक सा नहीं होता, उसे कुछ तो पता हो ना थोड़ा बहुत। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपनी कुछ चीज़ें लगी थी अनपैक करने, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का और मेरी भाभी का जिन्होंने मुझे ये चीज़ें गिफ्ट की हैं। उसमें एक तो ये है, ये वो तवा है, ये नॉनस्टिक का, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। और एक ये पैन है। और ये इसके अंदर देखते हैं क्या है। मैं खोलने लगी थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना साथ थोड़ा सा व्लॉग भी बनाया जाए। इसके अंदर है वो पैकिंग नॉन स्टिक ना कढ़ाई है वो, तो लेकिन साथ साथ वीडियो बना रही हूँ तो खुल भी नहीं रहा साथ साथ ना मुझसे। ये है नॉन स्टिक कढ़ाई, साइज़ भी बहुत मुनासिब से है ना तीनों चीज़ों के ना। चलो तवे का तो वही साइज़ था, लेकिन इन दोनों चीज़ों के साइज़ जो है वो बहुत मुनासिब से हैं। जो मेरे पास पहले थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी जो कि यूज़ में नहीं आ रही थी। ये देख लें तीनों चीज़ें एक दफ़ा, बहुत प्यारी हैं, सारी चीज़ें बहुत प्यारी हैं। ये स्पेशली भी साथ में हैं। आज इसमें कुछ अच्छा सा ट्राई करते हैं। वैसे तो न्यू चीज़ की जो शुरुआत है वो कहते हैं मीठे से करनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ नमकीन से ही कर लेती हूँ। चल फ्री होके बैठी थी तो मैंने सोचा कि बच्चों के जो सर्दियों के वूल के कपड़े हैं ना उनको उठा दिया जाए। अब जो दूसरे थोड़े से इससे जुड़ा
गर्मियों के निकालने हैं और एक जब होता है कि सर्दियों के निकालने हैं। ये भी एक बंदे पे ना बहुत बर्डन होता है, जिस दिन ये काम होता है बंदे को इतनी रिलैक्सेशन फील होती है ना। आप सब भी शेयर कीजिएगा, आप लोगों ने ये काम कर लिए हैं गर्मियों सर्दियों वाले? ऐसा लगता है जैसे ये इतना खलारा है ना। आज के ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। आप लोगों ने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि किस तरह के चल रहे हैं मेरे ब्लॉग। अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आइंदा भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाती रहूँ आप सबके लिए। नेक्स्ट ब्लॉग